उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। ललितपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में चुनावी तैयारियां की जा रही हैं और महाराष्ट्र के पालघर से ईवीएम मशीन मंगवाई जा रही है। बताया गया कि पालघर से 1230 बैलेट यूनिट मंगवाई गई है, जिन्हें लेने सीओ चकबंदी अपनी टीम और पुलिस फोर्स के साथ रवाना हो गए, तो दूसरी ओर पोलिंग बूथों को तैयार किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जनपद ललितपुर को आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य के पालघर जनपद से वर्तमान में 1230 बैलेट यूनिट का आवंटन अलॉट किया था। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा चकबंदी अधिकारी श्री विश्वजीत सिंह को रवाना कर दिया गया है और ट्रक गया है, पुलिस फोर्स गया है, जो अपनी पुलिस अभिरक्षा में उन पालघर जनपद से 1230 बीयू को लेकर के जनपद में आएंगे सुरक्षित तरीके से। इसके बाद में उनकी प्रथम स्तरीय जांच की कार्रवाई जो कंपनी है उसके निर्देशन में संपन्न कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा